एक गांव के किनारे बनी एक कुटिया में एक साधु रहते थे। वो दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके अपना समय बिताते थे। उन्हें ना तो अपनी भोजन का चिंता रहती थी और ना ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उन्हें भोजन दे जाते थे। साधु उसी भोजन से अपना पेट भर लिया करते थे। उन्हें ना तो किसी चीज की इच्छा थी और ना ही लालच था। साधु बहुत उदार और बहुत कोमल हृदय व्यक्ति थे। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उनसे कभी कटु शब्द बोल देता था तो साधु उनका बुरा नहीं मानते थे। सभी लोग साधु की व्यवहार का प्रशंसा करते थे। इसी वजह से सभी व्यक्ति साधु के सभी प्रकार के सहायता करते थे। एक बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत अधिक ठंड थी। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्म पाने की प्रयास कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। साधु सोचने लगे कि सर्दी के रात में इस वक्त कौन हो सकता है। साधु ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर एक सफेद रंग का सुंदर कुत्ता खड़ा था जो सर्दी से कांप रहा था। कुत्ता बोला, मैं सामने की पहाड़ पर रहता हूँ, वहाँ आजकल बर्फ गिर रही है, इस कारण मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मुझे आप कृपा करके रात में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। साधु ने नम्रता पूर्वक उसे भीतर बुला लिया और कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। कुटिया में जले आग के कारण कुत्ता को राहत महसूस होने लगी। साधु ने कुत्ते को दूध और रोटी खाने को दी। कुत्ते ने पेट भरकर भोजन किया और जाकर एक कोने में सो गया। सुबह होते ही कुत्ते ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। साधु ने कुत्ते से कहा, अरे इसे अपना घर समझकर तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो। रात होने पर कुत्ता फिर आ गया। साधु ने उससे दिन भर की बातें की, फिर भोजन के लिए खाना दिया और कुत्ता एक कोने में सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। हर दिन वो रात होने पर साधु के यहाँ आ जाता और सुबह ही जंगल में चला जाता। साधु को कुत्ते से बच्चे की तरह प्यार हो गया। अब जब भी कभी कुत्ते को घर आने में देर हो जाती, साधु अपने दरवाजे में खड़े होकर उसका प्रतीक्षा करते रहते हैं, उससे देर से आने का कारण पूछते। कुत्ता भी साधु से हिल मिल गया था और उनसे बहुत प्यार करने लगा था। कुछ महीने बाद मौसम बदलने लगा। एक दिन कुत्ते ने कहा, आपने मेरी इतनी देखभाल और सेवा की है, मैं इसके बदले आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तभी साधु ने कहा, अरे मैंने तुम्हारा देखभाल करके कुछ बड़ा काम नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुका सकता, इतनी मेरी सामर्थ्य कहाँ, बस आपके साथ रहते रहते आपसे प्रेम हो गया है। इस तरह से मैं आपका सेवा करके खुद को गौरवान्वित महसूस करवाना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके काम आ सकूं। साधु कुत्ते की ये बात सुनकर खुशी से गदगद हो उठे और कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे ना तो किसी चीज का आवश्यकता है और ना ही किसी विशेष चीज की इच्छा। गांव के लोग कुटिया पर ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं, मेरी बीमारी में मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे और क्या चाहिए। यह सब तो मैं जानता हूँ, इतने समय से मैं आपके साथ रहकर आपकी आत्म संतुष्टि की प्रवृत्ति मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है और सीखा भी है। फिर भी कोई भी काम हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। साधु बहुत देर तक सोचते रहे, फिर कुछ बोले, अब यूं तो जीते जी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कभी कभी सोचता हूँ मेरे पास सोने का टुकड़ा होता जिसको मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरे क्रियाक्रम में काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपने मृत्यु के बाद पड़ने वाले बोझ से नहीं देना चाहता। कुत्ता साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो बोला, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना सकूचा रहे हैं, मैं अभी आपके लिए सोने का टुकड़ा लाता हूँ। फिर साधु ने कहा,
मुझे ऐसा कोई भी सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हुआ हो या फिर किसी से दान में प्राप्त किया गया हो। कुत्ता सोच में पड़ गया और बोला, बाबा मैं आपके लिए ऐसा ही सोना लाने का प्रयत्न करूंगा। ये कहकर वो बाबा के कुटिया से चला गया। शाम होने पर साधु कुत्ते का इंतजार करने लगे, परंतु वो वापस नहीं आया। साधु को ठीक से नींद भी नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु कुत्ता नहीं लौटा। साधु मन ही मन पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने बेकार में ही ऐसी चीज मांग ली जो उसके लिए संभव नहीं थी। कभी कभी साधु के मन में ये विचार भी आता कि कहीं वो कुत्ता कहीं पर सोना चुराने गया होगा और पकड़ा गया होगा, फिर लोगों के हाथों मारा गया होगा, या फिर वो कुत्ता किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो। साधु को कुत्ते की बहुत याद आती थी। जैसे ही वो रात्रि का भोजन के लिए बैठते थे, उनको कुत्ते की मीठी बातें और साथ में भोजन खाना याद आता था। कुछ महीने बीत गए, अब साधु को कुत्ते की याद भी कम सताने लगी थी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगे। अब कुत्ते को गए 6 महीने बीत चुके थे और कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने द्वार खोला तो ये देखकर हैरान हो गए कि द्वार पर दुर्बल और पतला दिखने वाला एक कुत्ता खड़ा था जो कि बहुत बीमार था। साधु ने कहा, अरे अंदर आओ, तुम इतने दुर्बल कैसे हो गए? कुत्ते ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का एक छोटा सा टुकड़ा साधु के आगे रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों पर टिकाकर बैठ गया। साधु कुत्ते के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए कितना हैरान रहता था। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था, मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार का मैं सदा ऋणी रहूंगा। मेरी इस छोटी सी भेंट को आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी कुत्ते के प्यार को देखकर विचलित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू का धारा बह निकली। वे बोले, अच्छा ये बताओ, तुम इतने दिन थे कहाँ? ये सोने का टुकड़ा कहाँ से लाए? कुत्ते ने कहा, मैं जिस पहाड़ में रहता हूँ उसकी दूसरी तरफ सोने का खदान है। वहाँ पे खुदाई के समय सोने के कण उड़कर फैलते रहते हैं। मैं इतने दिनों तक उन्हें को इकट्ठा करता रहा। इतना कहकर वो साधु के पैरों में लेट गया। साधु उसको प्यार करते हुए बोले, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैं ये सबको बताऊंगा। कुत्ता बड़ी कमजोर आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी सेवा की बात सब लोग जाने। मैंने प्रसिद्धि की लालच में कुछ नहीं किया। ये प्रेरणा तो मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा, उसके बाद आपका जो जी चाहे आप वो कीजिएगा। साधु ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे इतनी मेहनत और सेवा को लोग ना जाने? अगर तुम नहीं चाहते हो तो यही सही, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर साधु उसके लिए दूध रोटी लाने चले गए। उनके हाथ में दूध का कटोरा और रोटी था। जब उसको खाना देने गए तो उन्होंने देखा कि उसकी सांस बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा सिर्फ साधु की जादुई प्रेम का भरपाई करने के लिए ही जिंदा था। साधु की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली थी। घमंडी चाट वाला। एक हिरपुर नाम का शहर था। उस शहर में चाट की दुकानें तो बहुत थी, लेकिन सोनू की चाट की दुकान की बात ही कुछ और थी। पूरे शहर में सोनू चाट वाला का नाम बहुत प्रसिद्ध था। उस शहर में ऐसा कोई भी नहीं था जो सोनू चाट वाले के बारे में ना सुना हो। ऐसे ही वो प्रसिद्ध चाट वाला नहीं बना था, उसने बहुत मेहनत की थी तब जाकर अब वो इतनी प्रसिद्ध हुआ है। हर रोज उसकी चाट की दुकान पर भीड़ भाड़ ही रहा करती थी। कई लोग तो सिर्फ पापड़ी के दीवाने थे, उन्हें सोनू की पापड़ी बहुत पसंद था।
कोई भी नया व्यक्ति आता था तो उसे सोनू चाट वाले के यहाँ चाट खाने को कहा करते थे। सोनू अपने तरक्की से बहुत खुश रहता था। उसका पूरा घर उसके चाट के दुकान के कारण ही चलता था। सोनू के घर में वो और उसके माता पिता रहते थे। एक दिन सोनू के घर उसका ममेरा भाई टुन्नू आया। टुन्नू ने कहा, भाई आप तो पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध हैं। कल मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूंगा, कहीं मैं भी आपसे कुछ सीख जाऊं। सोनू ने कहा, हाँ क्यों नहीं टुन्नू, चल तू भी दुकान पर चल, मेरी भी मदद हो जाएगी। फिर अगले दिन टुन्नू सोनू के दुकान पर आ गया। टुन्नू सोनू की मदद कर दिया करता था। कुछ ही दिनों तक लगातार दुकान पर जाने के बाद टुन्नू ने भी बहुत कुछ सीख लिया था। वो बोला, भैया अब तो मैं भी बहुत कुछ सीख लिया हूँ, आप अपने ही दुकान पर मुझे काम पर रख लीजिए, मैं यहीं काम कर दिया करूँगा, बदले में आप मुझे कुछ पैसे भी दे दीजिएगा, और वैसे भी आपकी तो आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती है, तो मुझे काम पर रख लेने से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे टुन्नू कैसी बात करते हो, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे दुकान पर काम करोगे। टुन्नू अब हर रोज सोनू के साथ दुकान पर जाया करता था और मन लगाकर काम किया करता था। एक दिन की बात है, टुन्नू काम करता करता सोनू से बोला, भैया ग्राहक तो बहुत बढ़ जाते हैं, हमें कुछ और टेबल कुर्सी लगा लेनी चाहिए। हाँ टुन्नू तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही कुछ नया टेबल कुर्सी लगवाता हूँ। कल होते ही सोनू ने नए टेबल कुर्सी लगवा लिया। अब सोनू चाट वाले की दुकान पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। देखो टुन्नू दुकान अब कितना सुंदर लगने लगा है, सोच रहा हूँ और भी महंगे और अच्छे अच्छे चीज अपने दुकान में लगवा देता हूँ। फिर टुन्नू ने कहा, ठीक है भैया आपको जो अच्छा लगे। सोनू ने यही किया, उसने अपने दुकान में सभी महंगे चीजें लगवा ली और अपनी दुकान सुंदर बनवा ली। अपने दुकान में इतने बदलाव करने के बाद सोनू के अंदर घमंड आ गया था। सोनू सबको डांटता रहता था। अगर किसी भी सामान को नुकसान पहुंचा जाता था तो सोनू बहुत गुस्सा हो जाता था। एक दिन सोनू के दुकान पर कुछ ग्राहक आए, उनके साथ उनके बच्चे भी थे। बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने कुर्सी गिरा दी। अरे दिखता नहीं है क्या, कितनी महंगा चीज है ये, इतनी सुंदर दुकान में आने से पहले अपने बच्चों को समझा कर लाना चाहिए, कहीं भी तोड़फोड़ करते हैं। ग्राहक बहुत गुस्से में आ गए और तुरंत बच्चों के साथ वहां से बिना कुछ खाए ही निकल गए। भैया आप ग्राहकों को ऐसे कैसे डांट सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या हो गया, एक ही तो ग्राहक गया है, वैसे भी एक ग्राहक के चले जाने से मेरे दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना अभी थोड़ी ही देर बाद मेरे दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसे ही करके सोनू का घमंड और बढ़ता चला गया। अब वो किसी को भी कुछ भी बोल दिया करता था। टुन्नू भी सोनू की हरकतों से परेशान होकर काम छोड़कर चला गया और अब ग्राहक भी बहुत कम ही आ रहे थे। पूरे शहर में बातें होने लगी कि सोनू चाट वाला कितना घमंडी व्यक्ति है, उसके दुकान पर कोई नहीं जाएगा। अब शायद ही कोई सोनू की दुकान पर जाया करता था। सोनू अपने घमंड के कारण अपनी इतनी प्रसिद्ध दुकान गवा बैठा। सिर्फ उसकी घमंड के वजह से आज सोनू प्रसिद्ध चाट वाला से घमंडी चाट वाले के नाम से जाना जाने लगा। इससे हमें ये सीख मिलता है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है।